ये छपरी के बाल कटवा के ये देखो गाइस, एक ही ट्रायल रूम में सब लोग जगमगा रहे हैं। ये खाना चाहेंगे। ये देखो महल, काफी पुराना महल है भाई, मतलब देखने में लगी आज से आपको देख। Hey guys, what's up everyone? Welcome back to my new blog video. स्वागत है आपका अपने एक और नई ब्लॉग में। So guys, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं अभी पढ़ रहा था और भाई पढ़ पढ़ के जिंदगी बर्बाद हो चुकी है guys। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, पढ़ पढ़ के आदमी कहाँ तक जाएगा बताओ। पढ़ के आज तक किसी ने झंडा उखाड़ा है क्या? नहीं उखाड़ा झंडा, तो भाई बिना अनपढ़ भी उखाड़ सकता, सही बात है। तो चलो कोई बात नहीं भाई, अभी तो मैंने पढ़ लिया, थोड़ा और पढ़ते हैं, फिर हमारा कोचिंग का टाइम भी होने वाला, कोचिंग चलेंगे थोड़ी देर से। भाई अपना कोचिंग का टाइम हो लिया है और भाई हमने बैग वैग भी लगा लिया, कॉपी किताब डाल डूल के। तो भाई चलो, भाई यारों का ही कॉल आ गया, वो भी निकल आया अपने घर से हम निकल आया है, तो कोचिंग चलते हैं। कोचिंग आने से पहले कुछ खा पी लेते हैं भाई, क्योंकि काफ़ी भूख लगती है हमें, आपको भी लगती होगी, सभी को लगती है ना। तो चलो किसी बिना किसी देरी के खाना पीना खाते फिर निकलते हैं। कुछ है या क्या कह रही है आंटी जी? कुछ कह रही हैं, बोलना आंटी। आंटी क्या कह रही है, बतानी टेढ़ा मेढ़ा बोलती रहती हैं। तो चलो गाइस कोचिंग चलते हैं बिना देरी के। और ये भाई क्या के लिए आए हो आप? मैं कोचिंग जा रहा हूँ। मुझे हमारा कंटेनर 200 रुपये वाला। चलो गाइस कोचिंग चलते हैं, कोचिंग का टाइम हो चुका हमारा, ये दोनों ये रहे, चलो चलते हैं। सो गाइस पहुंच लिए अपन अपनी कोचिंग और भाई हम लोग फिक्स 15 मिनट लेट हैं, तो चलो कोचिंग चलते हैं। आ जाओ चलो भाई, भाई इंपॉर्टेंट बात चल रही है, सीक्रेट है ना। तो चलो कोचिंग चलते हैं भाई, फिर पढ़ने के बाद आपसे मिलते हैं। क्योंकि हमारी कोचिंग की छुट्टी हो चुकी है, काफ़ी टाइम हो गया हमें यहाँ पे, तो चलो कोचिंग चलते हैं। ये गाड़ी की अपनी गाड़ी, ये जंगली बाल वाला, तो चलो घर चलते हैं। तो गाइस देखिए हम आ चुके हैं यहाँ पर और अब हम यहाँ से जाएंगे आगे अपने सिटी सेंटर साइड। और यहाँ पे देखिए क्या लिखा, सावधान आगे स्कूल है, गति सीमा 20 किलोमीटर। दिस इज रॉन्ग, यहाँ पर आवर भी होना चाहिए था, तब ये यहाँ पर ये क्या है सही होता। अच्छा, पता नहीं किस गवारों ने लिखा है। कोई बात नहीं, इसको हम सही कराएंगे, कंप्लेंट करेंगे पुलिस में। क्या सावधान क्यों हो रहे हैं? वो 20 किलोमीटर दूर है भाई, देख रहे हो आप? That is not 20 किलोमीटर, that is 20 किलोमीटर पर आवर। By mistake। और एक बार हंस के दिखाइए वाला यार। अरे 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 दिखा दे यार। अरे मैं नहीं खेला, थोड़ी होता है। अरे भाई ये नहीं होता, एक बार हंस के दिखा दे, एक बार हंस के दिखा दे। अरे एक बार, एक बार। अरे मैं, अरे मजा आ जाएगा तेरी कसम। एक बार भैया नहीं यार, एक बार। भाई एक नंबर हंसी है। चलो चलते हैं, अभी अपन को जाना है सिटी सेंटर से भाई का हेयर कट कराने, और भाई वहीं से जाना है अपनी मम्मा का फ़ोन सर्विस सेंटर पर डालने, जिसमें मदरबोर्ड डलना था, उस दिन तो डल नहीं पाया था, उस दिन उसने ऑर्डर लगा दिया था। तो चलो चलते हैं, अभी 2-2.5 घंटा फ़ोन ठीक होने में लगेंगे, तब तक अपन बोल लिया कर मम्मी, जल्दी कर, छोड़ो मम्मी बोल लिया कर। ओके ओके मम्मा मम्मी, ओके ओके मम्मी मम्मी। तो गाइस चलो चलते हैं और वहाँ से सिर्फ भाई का हेयर भी कट कराना है। जी देखो भाऊ, तो गाइस चलो चलते हैं बिना किसी देरी के। गाइस हम लोग आ चुके हैं सैमसंग सर्विस सेंटर ये रहा, और भाई यहाँ आकर भाई काफी थक चुके हैं, बोर हो चुके हैं भाई। आज हमारा यहाँ 5वां टर्न है, यदि एक फोन ने हमें काफी परेशान कर लिया, एक एक्सपेरिमेंट क्या किया हमने, एक फोन ने झग मार के रख लिया हमारी। तो चलो फोन को डाल देते हैं, फिर आपको पता ही है कहाँ आना है, नहीं पता तो सीक्रेट है, थोड़ा फिर से बताएंगे। फोन डाल चुका है, ये देखो स्विमिंग पूल पानी बहता हुआ। देखो एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, देखो भाई ट्रक इन एयर। तो चलो अब चलते हैं शिव के बाल कटाने, देखो अभी कैसा लग रहा है, जंगली थोड़ी देर बाद हीरो बन जाएगा। भाई हम लोग आज पता नहीं कहाँ हैं, लेकिन आपको दिखाना चाहेंगे। ये देखो महल, काफ़ी पुराना महल है भाई, मतलब देखने में लगी आज से आपको दिख रहे होंगे, ये दिख रहे हैं, इससे हमें लग रहा है काफ़ी पुराना भाई, अंदर से काफ़ी बड़ा है। राजा राजा देखो, वो देखो देखो जीरो राजा, अरे राजा बेटा। देखो भाई यहाँ पे इनका राज चलता है, दिख रहा है क्या? हाँ दिख तो रहा है, पूछ हमारे ऊपर मार दिया हमें। तो भाई ये अंदर से काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम जा नहीं सकते क्योंकि कुत्तों का झुंड बैठा हुआ है। अभी हम लोग गए थे तो भागना पड़ा हमें काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे भाई महल के बगल में कोई मकान बनना है, और जी देखो अंदर से दिखाऊँगा आपको कितना बड़ा है महल, ये देखो भाई। अंदर चलें, अंदर चलते हैं आपके लिए। कुत्ता वो भाई काफी बड़ा है, ये तो देखो भाई थिएटर लग रहा है कोई, बस ये देखो पहले कॉलेज था शायद ये, या फिर हाँ कॉलेज ही है, नहीं थिएटर लग रहा है भाई, कॉलेज है यार।
ऊपर भी कुर्सी वगैरह रखी जाती होंगी, यहाँ पर भी कुर्सी वगैरह रखी जाती होंगी। ये स्टेज है, ये आंटी है यहाँ पे। तो गाइस चलो काफ़ी टाइम हो गया यहाँ पे, और चलो चलते भाई हम लोगों को वो दोनों छोड़ के चले गए ड्यू टू पुलिस रीज़न। अब क्या बता भाई, जो फनी चीज़ होती है वो शूट नहीं हो पाती, लेकिन कोई बात नहीं, चलो चलते हैं फिर आपसे मिलते हैं। चलो हम लोग आ चुके हैं सेंट्रल इंडिया, और यहाँ पे जाने में हमें आ रही है शर्म। क्यों आ रही है भाई? भाई शर्म इसलिए आ रही है क्योंकि भाई काफ़ी हैवी सैलून है भाई, ऊपर भी नहीं, काफ़ी हैवी सैलून है भाई, पता नहीं कितने पैसे लगे। अब देखते अंदर जाके है ना, अभी दो छोरे और आ रहे हैं, वो गाड़ी पार्क करने गए, फिर चलते अंदर। हमारी कटिंग हो चुकी है, सिर्फ बाइक की और जरा कटिंग दिखाई, हटके रुक गया। अरे तो हाँ, तो टायर शर्मा रहा है यार, एक तो महंगी कटिंग कराई है, इसमें भी शर्मा रहा है, ये देखो भाई। तो आपको कैसा लग रहा है भाई कटिंग करा के? चौदह चौदह लग रहा है भाई। तो भाई जरा भैया विशाल मार्ट चले, इसमें चले थोड़ी एसी की हवा यार, काफ़ी दिखाई है भाई, बाल देख रहे हो कितने मस्त है जी भाई। ये महंगी कटिंग हमने तो आज तक करवाई नहीं है, खैर हमने तो भाई वही 50 ऊपर वाली पे गाड़ी पे कभी गए नहीं है। और ये देखो भाई साहब की कितनी कटिंग है बताऊं, सच बताऊं या झूठ बताऊं? सच बताइए, सिर्फ कितने की हुई है? 10 रुपए। तो भाई इसकी कटिंग हुई है, सही सही बताऊं तो 200 रुपए की। अगर हमने उससे कही थी भाई बाल स्ट्रेट करते तो कह रहा 2000 रुपए लगेंगे, 2000 रुपए थे ना, तो इसलिए भाई 150-200 रुपए की कटिंग होगी इसकी, 200 की है ना। तो चलो अब देखते हैं भाई कहाँ जाना है, क्योंकि अभी मोबाइल ठीक होने में फिक्स 1 घंटा है ना, तो भाई काफ़ी टाइम लगने वाला है आज भी। तो भाई हम लोग यहाँ हैं, ये देखो चूतिया वो नंगा आदमी, ओ भाई वास्तव में क्यों रे सर हम यहाँ जाए नहीं है। तो आए क्या करने आए, अपन ट्रायल करने आया है, तेरा ट्रायल करूंगा, ये ब्लॉग बनकर अच्छा ही लगेगा। अच्छा तो भाई ये देखो अड्डे पकड़ा मेरे, जो शीशा भी हिलता दिखा आपको। शिव कहाँ है? शिव कहाँ गया? चीजें कर रहा है बंद कर। ये देखो भाई एक ही ट्रायल रूम में सब लोग जगमर आ रहे हैं। ये ले भाई, ये लेना है मुझे, और ये तो वो पट जाएगी अपनी नहीं है। देखो जी नंगा, तो मेरे सामने बदल लेना, क्या बात है वो भाई, ये एक नंबर का नंगा। अरे तू गेट ला दे, पहले गेट ला दे, क्या है वो भाई, यहाँ कुंडी के लिए तो कोई यही नहीं। सुहान से तो गया डाले, वो तो पता है कौन गया है। कहाँ जा रहे, आगे जा रहे, मन इधर आओ भाई, इसके पापा देखेंगे ठीक है। जवान से देखो फ्री फंड में चेंज कर लिए इन्हें पैसे ऐसे लेने के लिए। अरे ये लेके अब गेट के बाहर चलते हैं। आओ फ्री में माल है, कुछ भी भाई, भाई सिर्फ भाई बढ़िया लगा। काट दे यार, गुस्सा आ रही है, मैं बाल भी फोड़ूंगा तो ही फोड़ूंगा। शिवान से देखो, शिवान से मेरे बाल, तू भी बोला अगली बार मैं कराऊंगा, तू भी उठा ला कुछ पहनने के लिए। फोटो खींच लियो ना, फोटो खींच के जल दियो। अरे कपड़े नहीं है अपने लायक यहाँ पे। काय के पहनता है? रायमंड के, दैट इज रेमंड, हां सॉरी रेमंड। ये छपरी के बाल कटवा के बॉक्सिंग बैग बोल दे भाई, देखा मैजिक प्लस लीजिए कंबल कंबल टॉवेल। अरे तेरे मन में क्या है वो तो मुझे पता चलेगा, तू क्या बोल रहा है। अरे छोड़ यार, कंटेंट के लिए रखना ना, कंटेंट है, मैंने कही 200 रुपये ठीक है। चीज़ें भाइयों जी, जब फोन चलाओ ना बिंज वॉच करो उसके लिए जी। ये ज्यादा पहनता भाई, वो पैसा वाला है। कितने का है ये ले भाई? अभी खरीद 400 400 का है।
हमारे ब्लॉग को देखे यहाँ लाखों लोग आएंगे, कितनी बिक्री होने वाली है। डेली आए जब तक वो भगा नहीं देगा। शिवांशु मम्मी के लिए फिर एप्पल के लिए पर्स ले लेंगे। एप्पल भाई है, ठीक है ठीक है। ओ भाई एक और मैं भाग्य चलता टीवी सीरियल ये ले ले झुनझुन के लिए। भाई झुनझुन के लिए ये ले लो। भाई पागल पर मर दिया, अपने बाप का नहीं है। शिवांश के बाप का है अल्टो। बेटी तेरी अल्टो दल्ली आई है भाई। मेरा मेरी भाई सेटिंग हुई भाई। ये कुर्सी बहुत सेक्सी लग रही है। कुर्सी देखिए साफ बंद है इसका, वो टूट जाएगी, वो प्लास्टिक की है। कोई आ जा रहा है क्या? बोल दे ये, अरे जो देख ले वो भाई, इनमें पानी नहीं देते क्या? हैं इनमें पानी का यहां पानी नहीं करोगा? किनमें डाल दे पानी भाई पौधों में? ओ भाई ये ले चला। ये देखो गाइस गाइस देखो कौन है, देखिए गाइस ऐसे करके इस पर पानी डालो ना, पेड़ हरे भरे हो गए। भाई ये कितना इनविजिबल। वो शिवान से जा रहे, चल अपने घर चल लेंगे। टीवी के बारे में टीवी भाई ये अपने चड्डी में दुकान ले पहले। ये कैमरा बंद करो। ओ भाई सही है, एक नंबर। चल यार वो साउंड कम हो गया। खोल के देखा वो बिल्कुल सही है। झुलपट गया यार। इधर 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 आओ, पेन पेन से वो कलर ठीक है यार, वाटर कलर है ना यहाँ। शिवांशु याद है प्राणी ताजा हो गई। सही कह रहा है शिवांशु की। शिवांशु चोरी का मत लिए। हाँ यार आया खाली है रे। वो आरजी वाला बढ़िया सैंपिंग क्लास। ये तो मेरे पे रखा, मेरे पे रखा। आया चेस करते फूट नहीं जाए, फूट नहीं जाए। ओए मेरे पे धरा यार गाड़ी में डाल के पैसा ना जाके गंदी रहे थी गाड़ी। कभी इसमें पीना हो तो आज ही मेरे घर में आओ। क्या पीना है? पानी। बियर पानी यार, ड्रिंक बियर सेव वाटर। ठीक है हां यही तो बोल रहा हूं। इधर आओ ना, उधर ही क्यों घूम रहे हो? इस तरफ ऊपर चल रहा है। ऊपर रास्ता है? ऊपर नहीं है भाई, टू बिल्डिंग नहीं है। टू बिल्डिंग थ्री बिल्डिंग जगह कौन सी रहनी है? तू बंद कर दे पहनिए भाई। यो पॉम्पी छोरा शिवांश एक आध ले ले यार इसमें से यार, हम भी पहन लेंगे यार। वो भाई पहनी जी वाला पॉम्पी लग रहा है ये। अरे यार अरे तू पहन तो भाई, तू कुछ भी पहन ले। यो ब्रो भाई चश्मा तो लगा दे। ए भैया लग गए पॉम्पी बन गए। ए पॉम्पी तो मेरे में नहीं। ये भैया ही पॉम्पी बन गए, बढ़िया। चलो कौन सा चश्मा आपको अच्छा लग रहा है जरूर बताएं। डाल ले बाहर पानी धोने। जी देखो भाई नंगे पहले आ जाते हैं भाई, इसमें तो कोई चश्मा ही ना आया हमारे लिए। ये भाई पता मैं अपनी सेटिंग को दूंगा, कोई भी बन जाओ। बिल्कुल ये बेल्ट ला ले तेरे। ओ लक गाइस ये हमारा सस्ता पठान। बस बस बेटा कूल कूल बेटे कूल सस्ता पठान जी। हमारे शिवांशु के लिए गाड़ी बैठी शिवांशु खरीदवा दे पक्की चलाएगा रोड पे ना भाई, हम पे पैसा ना लेने के। गाइस आया है मेरा सस्ता पठान। सस्ता पठान बनने की कोशिश कर रहा है। इससे बनवाएंगे हम पठान थ्री, पठान टू
जवान से जवान जवान सॉरी 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 ये पठान का तीसरा वंशज लग रहा है। दूसरा कौन है? दूसरा तो इसकी मम्मी है दूसरी। बंद कर बंद कर बंद कर। चलो हमें यहाँ पे काफी टाइम हो गया, हमने अपना आधा घंटा काफी अच्छे से खींच लिया। तो गाइस ये देखो ये लौंडे का जलवा ही अलग है। तो गाइस चलो हमने काफी टाइम वेस्ट कर लिया अपने यहाँ पे, तो पहले चलो कुछ खा पी लेते, काफी भूख लगी है, फिर वहाँ से मोबाइल लेने चलेंगे क्योंकि टाइम होने वाला है, आधा घंटा ही बचा, फिर मोबाइल लेके घर चलते, काफी लेट हो गया। देखो भाई खाई क्या चल रहा है ये बता, ये भी मारा है भाई, एक को मार रहा हूँ दोनों मरे। ओ भाई इनका कुछ नहीं हो सकता। चलो चलो चले चले चलो अभी अपन लोग कुछ खाने पीने आए हैं, काफी भूख लगी है भाइयों। फिर से भाई कितनी भूख लगी है आपको? बहुत। और शिवांशु कितनी भूख लगी है? वो सोचने में व्यस्त है भाई, तेरे को कितनी भूख लगी है? बिल्कुल नहीं। मंचूरियन बन के आ चुकी है, तो चलो खाते हैं, एंजॉय करते, काफी भूख लगी है। ये देखो भूख कर कैसे खा रहे हैं। मिर्ची है। कैसी लग रही? शिवांशु को भाई ज्यादा भूख लगती है। अच्छी है इसकी नजर जहाँ आ रही है शिवांशु। नहीं गंदी बात करते है भाई। चलो खाते है इसे। हम लोगों ने मंचूरियन खा लिया है और भाई काफी टाइम हो गया और भाई काफी थक भी चुके हैं, तो चलो बिना किसी देरी के मोबाइल लेने चलते हैं, फिर सीधे घर चलेंगे। हम लोग फिर से सैमसंग सर्विस सेंटर पहुंच चुके हैं और भाई यहाँ के काफी थक चुके हैं, बार बार आना जाना जाना, और भाई यार भी हमारे थक चुके हैं। शिवांश थक गया, वो भी बेचारा बार बार आ गया, तो चलो देखते हैं माल और लेके चलते हैं। भाई हम आपको अपना सर्विस सेंटर दिखाई देते हैं। गणपति बाबा बैठे हैं, जितने पुंगे बैठे हैं, हम लोग घर आ चुके हैं। हमारा फोन काफी मतलब काफी नहीं, अब फाइनली पूरा ठीक हो चुका है। सो के भाई अपना सफर यहीं तक था। ये देखो बहुरानी ठीक है। शिवान से आज आपको कैसा लगा? कैसा लगा बता दो कैसा लगा? शिव से पूछ, शिव कैसा लगा आज आपको? अरे फीडबैक तो दिया करो यार, तुम समझते रहे। आज शिवांशु ने हमारी हर जगह बेइज्जती करा भाई। तो आपको कैसा लगा बेइज्जती करवा के भाई? बहुत अच्छा लगा है शिवांशु, मजा आ गया। ठीक है यार अब रख दो। तो चलो गाइस अभी नहा लेते हैं, सुबह से नहाए भी नहीं है, कंजड़ बने गए होंगे, आपको दिख रहे होंगे ना। तो चलो नहा धो लेते हैं, फोन भी डिस होने वाला है, 3-4% बचा चार्ज होता, तब तक नहा धो लेते हैं, फिर चलते हैं भंडारा खाने। सो गाइस हम लोग नहा धो के रेडी हो चुके हैं भाई, और घर पे पूजा भी कर ली, तो चलो चलते हैं। आज भाई रुद्र के यहाँ पे हमारा न्योता आया है, उसके यहाँ पे कोई पूजा चल रही थी, उसका न्योता है ना, तो चलो न्योता करने खाने चलते हैं। और भाई हमारी गली में भी गणपति बाबा बैठे, उनका भी आज भंडारा है, तो वहाँ पर पर्स कराने भी जाना है ना, तो चलो पहले भंडारे में पर्स कराने चलते हैं, फिर उधर चलेंगे रुद्र के यहाँ। तो लेट्स गो। तो गाइस हम लोग आरती करके रुद्र के यहाँ खाना खा के आ चुके हैं भाई, और अभी अपन अपने गली के भंडारे में जा रहे हैं, आपको दिखाना चाहूँगा। लाइट चली गई है लेकिन सामने थोड़ा चमक रहा होगा, कीर्तन वगैरह हो रहे हैं ना, तो चलो वहाँ पे चलते हैं, भंडारा खाते हैं, थोड़ा पसवाई करेंगे, फिर अपने घर चलेंगे, पढ़ना भी है। सुबह से भाई भटक रहा हूँ मैं, मानो कोचिंग या कोचिंग से सीधे घर आती सर्विस सेंटर चला जाता है ना, तो चलो चलते हैं भंडारे में। तो गाइस अभी अपन लोग वहाँ से नौता खा के भाई गणपति बप्पा के पंडाल में बैठे हैं। आज भाई आखिरी दिन है अपने बप्पा का, कल चले जाएंगे, फिर हमारे कैसी शाम या रात कटेगी है ना, काफ़ी बुरा लगेगा भाई जब गणपति बप्पा चले जाएंगे, जब अपने प्यारे से बप्पा, जय बप्पा की जय गणपति बप्पा। तो गाइस चलो थोड़ी देर यहाँ बैठते हैं, फिर घर चलेंगे, क्योंकि भाई सुबह से काफ़ी थक चुके हैं, और भाई आज आखिरी दिन था इसलिए बैठ रहे हैं थोड़ा बहुत, कल से तो बैठ ही नहीं पाएंगे, कल भंडारा है यहाँ पर, तो चलो भाई थोड़ा बैठते हैं फिर घर चलेंगे। तेरा, करदा